बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी बनती है और बहुत मिनटों में बन जाती है। सो व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आइए चलते हैं हमने रेसिपी की तरफ। तवे में मैंने ऑयल डाल दिया है हाफ कप के करीब और ऑयल को थोड़ी सी हीट लगा ली है। साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली है, 3 से 4 अदद, और उसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया था। और इसको ऑयल में अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जब तक हम इसे फ्राई करेंगे, देखिए जो प्याज का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। प्याज जो है हमारी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर कुछ मसालेजात, जिसमें लिया है मैंने धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक लिया है टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा पाउडर लिया है, ज़ीरे को भी क्रश कर लिया था मैंने रोस्टेड करके, और उसको भी लिया है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और साथ ही ये कुछ मिर्चें ली हैं मैंने, तो वो मैंने कुटी मिर्चें ली हैं इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, बिसी मिर्ची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो निकल जाए। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, इसके बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मसाले ऐड करने के बाद मसालों को कुछ मिनट के लिए जो है सॉटे कर लूंगी ताकि जो इसकी मसाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं प्याज में। और फिर इसमें साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर्स, टमाटर लिए थे मैंने 1 कप के करीब और उसको चॉप कर लिया था मैंने रफली। और इसको इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो है वो टमाटर और सब प्याज वगैरह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर अंटिल बिल्कुल स्मूथ हो जाए, स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका, टमाटर गल जाए हमारे। जब तक इसको मिक्स करूँगी
मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसमें कलेजी, कलेजी ली है मैंने हाफ के जी, और इसमें जो है वो मिक्स है, कलेजी और गुर्दे मिक्स हैं। आप चाहें तो सिर्फ कलेजी भी दे सकते हैं, लेकिन कलेजी के साथ गुर्दे भी मुझे बहुत पसंद है खाने में, तो मैं जो है ये भी ऐड कर लेती हूँ। और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, कलेजी को वॉश करने के बाद इसमें बीच में से कट कर लिया था, जो बड़े बड़े पीस थे उसको बीच में से नॉर्मल मीडियम साइज़ से कट कर लिए थे, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको मैं अच्छे से जो है फ्राई करूँगी कलेजी को, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलेजी जो है वो अच्छे से हमारी जो है वो गल गई है, और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये अच्छे से मिक्स भी हो गई है, मसाले को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इस स्टेप पे आके मैं इसमें जो ऐड कर दूँगी, ये जो मैंने गरम मसाला, जो गरम मसाला पाउडर था, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, ये सब इसमें ऐड कर दूँगी। इस वाले स्टेप पर हम ये मसाला जब ऐड करेंगे तो इससे जो है वो हमारे मसालों में अच्छी सी एक स्मेल, खुशबू जो है वो आ जाएगी, और एक एरोमेटिक सी जो है वो स्मेल होती है कलेजी की, जो बाहर तवा कलेजी मिलती है आप लोगों ने अक्सर नोटिस की होगी, बिल्कुल वैसी ही स्मेल आएगी, और ये उसको दे उसकी स्मेल से जो है आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अब मैंने इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं, और इसी तरीके से इसको मैं चमचे की मदद से चलाती रहूँगी, फ्लैट आप स्पून ले लीजिएगा कोई भी, और इसे जो है इसको इस तरीके से मिक्स करना है तवे पर। इसी तरीके से बेसिकली ये लोग स्पून से जो है वो मिक्स करते हैं, इसको कटाकट भी कहते हैं कलेजी को, इसे कटाकट नाम ही इसलिए रखा गया है, कलेजी या फिश कटाकट जो होती है वो इसको हम स्पून की मदद से जो है वो अप एंड डाउन करते हैं। अभी इसका जो है वो टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, इसको अच्छे से हमने भूनना है
तवे की रेजी में जो है यही खासियत होती है कि इसको अच्छे से पकाया जाता है और इसका जब तक कि इसमें से रोगन नज़र नहीं आए जब तक इसको हम पकाते रहते हैं, कुक करते रहते हैं मुसलसल चमचे की मदद से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी हमारी तैयार है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। देखें इसमें रोगन भी साइड साइड पर आ गया है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गई है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे मैं गार्निश कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ली थी मैंने 3 से 4 था, तो उनको बारीक चॉप कर लिया था, आप चाहें तो मोटी भी ले सकते हैं, आपकी च्वाइस है। ये मैंने हरी छोटी बारीक ली थी क्योंकि मुझे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने ये अदरक के स्लाइस लिए थे, उसको भी कट कर लिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर। साथ ही मैंने ये हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद इसको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा और इसको भी मैं गार्निश कर दूंगी। तो जी लीजिए जी कलेजी जो है वो हमारी तैयार है। आप इसको जो है नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ या बन के साथ जो है वो आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने बहुत ही मज़ेदार बनती है, यमी है, बहुत चटपटी होती है और जब आप ये बनाएंगे यकीन मानना आपके घर में पूरे पूरे जो है किचन की स्मेल जो है वो आपके पूरे घर में भर जाएगी इस कलेजी की। और जिसको भूख नहीं भी लगती होगी उसे भी भूख लगने लगेगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आप लोगों को इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए इसको अभी सर्व कर लेते हैं। बहुत यमी बनी है ये, बहुत ही एरोमेटिक सी इसमें से स्मेल आ रही है। और तो लीजिए जी ये तैयार है, अब आप लोग ज़रूर इसको जो है ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।